गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहली क्लास में हमने बात की थी आपको रन के एक्सरसाइज 5.3 के 8 क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ इस सूत्र बनाना है तो लेट मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। x अगर रखेंगे 10 थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। x की जगह मैं रख दिया 10 थीटा। तो ये सूत्र होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहां लिखेंगे इस सूत्र को हम साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है त्रिकोण विधि का 10 का सूत्र है। तो क्या 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या रखेंगे साइन 2 थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इनवर्स से साइन हट जाता है, y का क्या बचा 2 थीटा। इनवर्स से साइन हट जाता है, y इज इक्वल टू 2 थीटा। भी यहां से वैल्यू रखेंगे क्या है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इसके साथ tan इनवर्स x के साथ कांस्टेंट है d ओवर ऑफ dx इनटू tan इनवर्स x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इनटू tan इनवर्स x का होता 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसका सूत्र सीधा सीधा सूत्र होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस x क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन रूट 3 से बड़ी और 1 अपॉन रूट 3 से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ लेट मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। x की अगर रखेंगे 10 थीटा तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 x से क्या 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र होता है देखेंगे इधर 10 3 थीटा इज इक्वल टू 3
tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta. त्रिकोण विधि में सूत्र होता है tan theta is equal to 3 tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta. तो यहाँ इसके लिए tan 3 theta रखेंगे, y is equal to tan inverse tan 3 theta. tan 3 theta का ये सूत्र है, तो tan 3 theta y is equal to inverse sin हट जाएगा, 3 theta y is equal to 3 into theta की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या tan inverse x, tan inverse x लिखेंगे, दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 cos tan इंटू d ओवर dx tan इनवर्स x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू tan inverse x का होता 1 upon 1 plus x square. तो dy upon dx is equal to 3 upon 1 plus x square answer. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. तो मानेंगे let x is equal to tan theta, यहां से theta की वैल्यू निकालेंगे, theta is equal to tan inverse x, x क्या रखेंगे tan theta, तो y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. x की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, theta ये सूत्र होता है, यहाँ देखेंगे सूत्र cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, ये सूत्र होता cos 2 theta, 2 theta theta का 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, यहां से क्या कि cos 2 theta y is equal to cos inverse cos 2 theta, यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, y is equal to 2 theta, थीटा के यहाँ से वैल्यू रखेंगे, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, लिखेंगे दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy upon dx is equal to 2 cos tan into d over of dx tan inverse x, dy upon dx is equal to 2 into tan inverse x का होता 1 upon 1 plus
एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट मानेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया था ये किसका होता है कॉस 2 थीटा का, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा है, लिख देते हैं सूत्र cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इस सेम है, ये यहाँ cos है यहाँ sin है तो ये आपस में हट तो सकते नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम साइन में चेंज करते हैं, कॉस को हम साइन में चेंज करते हैं, तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 2 थीटा, कॉस को हमने साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिख लिया, यदि हम कॉस को साइन 90 माइनस थीटा में लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक। अब ये आपस में कैंसिल हो सकता, ये आप इस पर कैंसिल हो तो क्या बचा 90 माइनस 2 थीटा, वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा की यहां से वैल्यू पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स, लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वर ऑफ डी एक्स इंटू 90 माइनस 2 कॉस 10 डी ओवर ऑफ डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा आपको लन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका जीरो माइनस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। इसे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट माना x इज इक्वल टू 10 थीटा, यहाँ से निकालेंगे थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स का पुट करेंगे हम टेन थीटा तो लिखेंगे बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है देखेंगे हम साइन टू थीटा इज इक्वल टू
वन टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में हाई स्कूल में, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखते हैं, साइन टू थीटा। तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन टू थीटा, कॉस इनवर्स साइन टू थीटा। यदि यहाँ कॉस होती तो आपस में ही तो हट जाते हैं, या साइन, तो इसे हम कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस टू थीटा। साइन को मैंने कॉस के पदों में चेंज किया तो कॉस 90 माइनस टू थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब तो आपस में हट जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू, ये आपस में हट गए तो 90 माइनस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू 90 माइनस टू थीटा की यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर ऑफ डी एक्स 90 माइनस टू कॉन्स्टेंट डी ओवर ऑफ डी एक्स टेन इनवर्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मान जीरो हो जाएगा, माइनस टू कॉन्स्टेंट टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट मानेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा मैंने इसलिए माना है एक्स और आवर, ये हम टू साइन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस साइन कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन टू थीटा का सूत्र बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ साइन थीटा माना है एक्स इज इक्वल टू। टेन थीटा मानते तो ये सूत्र नहीं बनता। देखेंगे वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स क्या है साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट क्या बचेगा कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये सूत्र होता है। लिखेंगे यहां देखेंगे साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा का सूत्र होता है। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जगह रखेंगे साइन टू थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन
टू थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा टू थीटा वाई इज इक्वल टू टू इंटू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहां से क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। लिखेंगे दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स x के साथ कॉन्स्टेंट है इनटू d और ऑफ dx साइन इनवर्स x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स x का होता है वन वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का आपको क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको हम पहले दिखा चुके हैं पहली क्लास में। टू टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस 1। तो लेट मानेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, x के रखेंगे tan cos थीटा, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक सूत्र होता है, अगर देखेंगे cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, ये cos 2 theta का सूत्र होता है, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1। तो cos square 2 cos square theta minus 1 रखेंगे cos 2 theta cos 2 theta y is equal to sec inverse 1 अपॉन cos 2 थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो sec 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, थीटा यहां से वैल्यू रखेंगे क्या cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 इनटू cos इनवर्स x। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx 2 cos इनवर्स x के साथ कॉन्स्टेंट है, तो d ओवर ऑफ dx cos इनवर्स x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू cos इनवर्स x का अपक्रम होता है माइनस की 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, dy अपॉन dx माइनस से आगे हल दे आते माइनस 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। Answer.